हेलो, मैं प्रतिमा शर्मा। आज फर्स्ट पोस्ट के फेसबुक लाइव में बहुत ही दिलचस्प मुद्दा उठाया जा रहा। मुद्दा ये है कि लड़कियों और महिलाओं को पीरियड्स के पहले दिन छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ये दिलचस्प होगा कि यहाँ पे सारी लड़कियां ही हैं जो इसके पक्ष में भी हैं और विपक्ष में ही। तो हमारे साथ है इस पे बात करने के लिए पल्लवी। सबसे पहले तो प्रतिमा जी, मैं एक बार इंट्रोड्यूस करा दूं, फिर मैं आपके पास आती हूं। अंकिता। निधि। आप निधि? बहुत बढ़िया। मैं दीक्षा। मैं मोहिनी। मुझे थोड़ा उठना पड़ेगा। रिया। मनीषा। और यहाँ है मेरे साथ तुलिका। तुलिका, आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लड़कियां हैं। शायद लड़के भी सोच रहे होंगे कि वो यहाँ पे होते हैं, बट वो नहीं है क्योंकि उनकी अभी इतनी हिम्मत नहीं हुई है। तो आइए मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ कि मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, पल्लवी के साथ। थैंक यू प्रतिमा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे न्यूज रूम में पहले तो इतनी लड़कियां हैं और इतना विमेंस रिप्रेजेंटेशन है। पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि पीरियड्स कोई जनानी रोग नहीं है। इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ बायोलॉजिकल फैक्ट। इट्स समथिंग दैट वी हैव टू बी प्राउड ऑफ, दैट इज हाउ आवर बॉडीज आर मेड। हाल ही में आपने देखा होगा कि सेरेना विलियम्स ने अपने प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। तो औरतें कॉम्बैट रोल्स में जाना चाहती हैं, पुलिस फोर्सेस में जाना चाहती हैं। मैं खुद एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँ। लगता है कि आप बिल्कुल मैं इनसे जरा पूछ लूँ। अंकिता, मुझे ऐसा लगता है मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए ये लड़की के पर्सनल चॉइस पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कई लोग होती हैं जो एज एन फिट नहीं होती हैं, बीमार हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, तो वो लेना चाहे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब मैं इसमें पूछूंगी हमारी सबसे यंग मनीषा। मेरे हिसाब से तो चॉइस होनी चाहिए क्योंकि काफी लोग होते हैं जिनका स्टेमिना बहुत स्ट्रांग होता है तो वो लोग पेन बेयर कर सकते हैं, बट कई लोग होते हैं जो बेयर नहीं कर सकते, तो ये एक ऑप्शनल होना चाहिए। अगर आपको ऑफ लेना है आप लो, नहीं लेना तो मत लो। और रिया, आपका क्या कहना है? शादी देखने से क्या कहना है रिया? मेरे अकॉर्डिंग ऑफ, जैसे सब लोग बोले, ऑप्शनल होना चाहिए, लेकिन ऑफ ना भी हो तो ठीक है, क्योंकि आप नॉर्मली एक दिन का अगर पेन होता है तो आप उसके लिए वैसे छुट्टी ले सकते हो। इस तरीके से आपकी ये चीज और ज्यादा लोगों के उसमें आ जाती है, आप एक पार्ट बन जाते हो नॉर्मल डिस्कशन का कि ओके ठीक है उसने ऑफ लिया था, दैट मींस शी इज डाउन। आपको नॉन वांटेड मतलब आपको नहीं चाहिए तब भी वो हमदर्दी और अटेंशन आपको वो मिलने लग जाता है कि ओके यू आर नॉट ओके एंड ऑल दैट थिंग, जिसकी शायद जरूरत नहीं होती है तब भी। अच्छा, एक चीज और है कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या फर्क है, ये मैं बताएंगी दीक्षा की। अगर मान लीजिए हमने आज छुट्टी ले ली या नहीं ली, तो इससे लॉन्ग टर्म में क्या लगता है आपको कि लेना चाहिए या? देखिए, मेरे को तो बिल्कुल भी आई एम अगेंस्ट इट। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए और हर महीने लड़कियों को छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने मैन और वुमेन को बनाया है, अपनी अपनी फिजिकल सबकी प्रॉपर्टीज है और स्ट्रेंथ्स है। तो महिलाओं की एक फिजिकल, इट्स नॉट एन अबनॉर्मलिटी, ये कोई एक डिजीज नहीं है जैसे पल्लवी ने बोला, ये एक बड़ी नेचुरल सी चीज है। तो सब विमेन सफर कर, एंड इट्स नॉट अ सफरेंस, ये नेचुरल थिंग ही है, तो इससे अच्छा ही होता है आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं। तो आई डोंट थिंक, एंड ये विमेन को किसी तरह से वीक भी बनाता है। मुझे लगता है कि अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। कितने सारे एथलीट्स हैं, जैसे उन्होंने अभी एक एग्जाम्पल दिया सेरेना विलियम्स, वो लोग खेलते हैं ना, वो लोग एक्टर्स जो है उनको पीरियड्स होते हैं तो वो बंद तो नहीं कर देते हैं एक्टिंग जो लोग। होलिका, मुझे लगता है आपकी राय इस पे थोड़ी अलग है। मुझे लगता है कि ऑफ मिलना चाहिए, ये ऑप्शनल होना चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कुछ ने बोला कि वो एथलीट होती हैं या फिर वो खेलती हैं या फिर, लेकिन बात तो ये है ना कि फील्ड ये ज्यादा मैटर करता है कि आप किस फील्ड में हो। आप एथलीट हो तो आपने शुरू से अपनी बॉडी को वो स्ट्रक्चर दिया है कि आपकी बॉडी वो पेन बेयर कर सकती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो फिजिकल काम कर रहे हैं, मतलब बॉडी लगी हुई है, मेंटली उतना ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं जितना फिजिकली अफेक्टेड होते हैं, और वो उस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उन्हें जरूरत होती है, उन्हें बहुत, कुछ लोग होते हैं जो इसको बेयर कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, कुछ को जरूरत होती है, तो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि उन्हें एक दिन का ऑफ मिले। लेकिन प्रतिमा, बात सिर्फ फिजिकल हेल्थ या फिटनेस की भी नहीं है ना, हमारे ऑफिसेज या हमारे वर्क प्लेसेस ऐसे डिजाइन हैं। आप मान लीजिए कि ऑफिस में कोई वुमेन को पीरियड्स हो जाते हैं, सैनिटरी नैपकिन जैसी चीज नहीं होती है, वॉशरूम और सेपरेट वॉशरूम्स नहीं होते हैं, हाइजीन जैसी चीज नहीं होती है, तो फुसफुसा के हम पैड मांगते हैं एक दूसरे से, तो एक सबकी प्रॉब्लम है कि हमें फुसफुसाना, हम उस हिसाब से भी तो फिर हमको तैयार होना पड़ेगा ना। अगर हम कह रहे हैं कि छुट्टी नहीं, चलिए ठीक है, फिजिकल हेल्थ एक चीज है, बट बाकी चीजों पर तो वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर आपके कपड़ों में गलती से स्टेन लग जाता
जाता है, आप पूरे ऑफिस की निगाहों में होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, तो भी अनकंफर्टेबल होते हैं कि एक तरीके से अगर हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे कि हम ऑफ दे रहे हैं तो हम एक तरीके से वुमन को विक्टिमाइज करके उसको ऑफ दे रहे हैं, और जो हमें कमजोर समझ के मिलता है वो एक्चुअली हक नहीं होता है, वो हमें एम्पावर नहीं करेगा, वो एक तरीके से हमें आइसोलेट कर देगा क्योंकि यू नो शी इज ऑन हर पीरियड इसलिए इनको छुट्टी मिली है। और फिर यू कैन अंडरस्टैंड कि हम कैसे सोसाइटी से आते हैं। एक कैनेडियन पोएट है रूपी कौर, जब उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी स्टेन्ड पजामास की फोटो डाली थी तो वो फोटो डिलीट कर दी गई थी। तो व्हाई हमारे एडवर्टाइजमेंट्स में हम ब्लू ब्लड दिखाते हैं, व्हाई आर वी सो अशेम्ड ऑफ ब्लड, लाइक ये जो इम्प्योरिटी है जो मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ एसोसिएट होती है ये अभी तक हमारा माइंडसेट वो है। तो पहले आई थिंक हमें उसको बदलने पर फोकस करना चाहिए। और एक और बात प्रतिमा मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये जो मातृभूमि ने ये किया है और कल्चर मशीन ने ये जो छुट्टी अनाउंस की है, ये दिस इज अगेन अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ जस्ट द कॉर्पोरेट सेक्टर। लुक एट द अमाउंट ऑफ वुमेन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करती हैं, जो काफी एनीमिक भी रहती हैं, और एग्रीकल्चर में इतनी वुमेन काम करती हैं, उनको ये प्रिविलेज जो है वो नहीं मिल सकती। तो अगर हम यही बात कर रहे हैं कि यू नो वुमेन शुड बी गिवन दिस राइट क्योंकि वो यू नो बायोलॉजिकली वो अनस्टेबल है, तो हमें उन औरतों का भी इशू रेज करना चाहिए, बिकॉज़ दे आर लार्जर इन नंबर। एक चीज मुझे जो इसमें समझ आ रहा है, जैसे पहले से परंपरा चली आ रही, कई गांव में आज भी होते हैं कि अगर पीरियड्स है तो आप पूजा रूम में नहीं जाएंगे, आप किचन में नहीं जाएंगे, तो मतलब कि अब आप ऑफिस में भी नहीं जाएंगे, ऐसा है या ऐसा नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर ऑप्शनल की बात भी कर रहे हैं कि किसी को ऐसा लग रहा है कि उसने लेना चाहिए ऑफ या किसी को नहीं लेना चाहिए, तो वो तो अभी भी है। हम किसी ना किसी बहाने से, अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो हम किसी ना किसी बहाने से ऑफ ले लेते हैं। एक चीज और, अगर इससे मोहिनी से पूछना चाहूंगी, बहाने से लेना और ये बता के लेना कि सर मुझे पीरियड है, कैन आई गो फॉर अ डे, ऐसा कह के लेना क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं ले पाएंगे। एक्चुअली ये जो रूल स्टार्ट किया गया है ये होना चाहिए ताकि लड़की मतलब अपना फर्स्ट डे घर पे स्पेंड कर सके, क्योंकि हर किसी का स्टेमिना ऐसा नहीं होता है कि हर लड़की चेंज होती है, कोई नहीं झेल पाती है, कोई आ पाती है, कोई नहीं पाती, तो मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए ऑफ। अच्छा, एक और चीज मैं ये पूछूंगी, जैसे गॉसिप, जैसे तुम्हारा पॉइंट था कि क्या तुम अगर छुट्टी लेती हो बहाने से लोगी तो फिर इसका नहीं, ऑप्शनल की बात अगर की जाए तो ऑप्शनल तो हम अभी भी ले लेते हैं, किसी ना किसी बहाने से अगर हमें प्रॉब्लम होती है या फिर किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो हम किसी ना किसी बहाने से, हमें फीवर है एंड ऑल, तो एक बार फीवर हो, अगर ये क्लियर होगा कि हमें छुट्टी लेनी है, महीने में दो बार फीवर होगा तुमसे कोई नहीं पूछेगा, बट अगर तुमने दो बार पीरियड्स को कह के तो छुट्टी नहीं ले सकते, तो फिर ठीक है ना, ये क्लियर तो होगा एटलीस्ट कि पीरियड की छुट्टी थी, बाकी छुट्टियां बाकी छुट्टियां थी। मैनेज कैसे होगा? ऑब्वियसली मैनेज होगा, अगर ऑफिस में इसकी कोई रूल तो होगी ना, एचआर या फिर नहीं, इसके कोई नियम तो होंगे ना कि कैसे पीरियड की लीव कैसे ली जाएगी। पल्ले भी कुछ बोलना चाह रही है। सेक्टर में क्या होता है, बहुत विमेन के अगेंस्ट पॉलिसीज बन जाती है, इन अ वे दैट पीपल डोंट वांट टू हायर अ वुमन, क्योंकि ओके इसके ये प्रेग्नेंट हो जाएगी और इसके बच्चे हो जाएंगे, फिर इसको 6 महीने की हमें मटर्निटी लीव भी देनी पड़ेगी। अगर हम एक और चीज ऐसे उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करते हैं कि ओके नहीं, नाउ इट विल बिकम कंपल्सरी और यू नो ये करना ही पड़ेगा आपको, तो कंपनीज और विमेन को हायर करने में एक दो बार और सोचेंगी। तो एम्पावर जैसे हम लड़कियों को करना चाहते हैं, उसके बीच में ये मेरे को नहीं लगता ये वीकनेस नहीं है। देखिए, क्योंकि अभी हम यहाँ बैठे हैं दिल्ली शहर में, नोएडा शहर में, तो यू नो हमारे पास वो सारी चीजें हैं, फैसिलिटीज हैं, बट आप जाइए जरा सा आगे चले जाइए, वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन जैसी चीज नहीं है। अभी हम एक स्टोरी कर रहे थे, कंपनी से इंट्रोड्यूस कर रही है, ये उन लोगों पे के लिए कुछ नहीं कर रही है, ये तो अभी से तो शुरुआत नहीं होगी ना। हम मतलब यही कहना है कि अभी यहाँ से शुरुआत हो रही है, हो सकता है कि ये चीज आगे जाए तो, और ऑब्वियसली उनके लिए, मैम सही कह रही है, उनके लिए ये इशू ज्यादा मैटर करता है कि किन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, ज्यादा इम्पोर्टेंट इंडिया में कुछ कहना चाहती है कि अगर ये हम किसी भी इशू कोई पहल शुरू होती है तो हम कहते हैं कि ये हो रहा है तो इससे पहले ये होना चाहिए था और इससे पहले ये होना चाहिए, कुछ से किसी भी चीज तो रिया ये शुरुआत अच्छी है या कुछ चीज़? मुझे लगता है शुरुआत की जरूरत नहीं होगी। अगर अभी आप रीसेंट डिसीजंस देखोगे तो आर्मी में भी पहले वुमेन्स को ये इस चीज का राइट नहीं होता था कि वो प्लेन्स वगैरह फ्लाइट कर सकते, और उसका कहीं ना कहीं रीजन ये दिया जाता था कि ड्यू टू देयर पीरियड्स के बीच में कुछ भी सिचुएशन होती है तो प्लेन अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, वही सब चीजें। बट फिलहाल उन्होंने भी इस चीज को एग्री किया है एंड वुमेन्स आर नाउ अलाउड कि वो फाइटर प्लेन्स वगैरह जितने भी बड़े प्लेन्स जो पहले अलाउड नहीं थे वो उड़ा सकती है। जब उस सिचुएशन आप एक प्लेन उड़ा सकते तो ऑफिस क्यों नहीं जा सकते? मतलब वो चीज इतनी ज्यादा वीक नहीं है वुमेन की, उसके लिए छुट्टी चाहिए उनको। मेरे हिसाब से छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मैं बताऊं मुझे जाना होता है और मैं इंटर्न, एज ए इंटर्न मैं अगर बोलूं, मैंने अभी ऑफ लिया था एंड आई टॉक टू माय हेड, तो ऑब्वियसली जरूरत है, क्योंकि फर्स्ट पेन आप नहीं बेयर कर सकते। आई एम बीइंग अ यूथ, मैं बता रही हूँ, मेरे से नहीं बेयर किया जाता। ये फिजिकल कंडीशन है, कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। एक और चीज है इसमें कि
नॉर्मली लोग बात करने में हिचकते हैं। आप अपने सीनियर को अगर मेल बॉस है, मेल बॉस है तो आप नहीं कह सकते, वो शायद कह देंगे तो बॉस ऐसे शर्मा की छुट्टी देगा। जैसे प्रतिमा ये चाहूंगी, एक सेकेंड पल्लवी, मैं इस बारे में एक बात बताना चाहूंगी। मैंने एक स्टोरी करी थी जब मैं बॉम्बे में काम कर रही थी। एक लड़की है 16 साल की, रोहिणी नाम है उसका, और वो महाराष्ट्र के किसी गांव में रहती है। उसको उसको जब पीरियड्स शुरू हुए तो उसको समझ नहीं आया मैं क्या करूं क्या ना करूं। उसने अपने पापा को बताया, दादा को बताया, उन लोगों ने इग्नोर किया। उसने अपनी मम्मी को देखा, उनको पीरियड्स होते थे, वो कपड़ा लेती थी, उनके पास पैड्स नहीं होते थे। तो ये हिचकिचाने वाली बात नहीं है, उस इतनी शी हैज लिमिटेड एजुकेशन। उस एजुकेशन में कम से कम उसको ये तो रियलाइज हुआ कि भाई हमें प्रॉब्लम हो रही है, बोलना चाहिए। उसने गांव में बोला, अब 150 फैमिलीज है वहां पे और हर जगह टॉयलेट बन चुका है। तो ये कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है, चाहे आप कैसी भी क्लास से हो, कोई भी मिडिल क्लास से हो। जहां तक हमारी छुट्टी की बात है तो छुट्टी तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां कम से कम वॉशरूम और टॉयलेट्स ये तो होंगे। तो तोलिका तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, इससे ऐसा नहीं है कि हम एक खुद को बांध रहे हैं? खुद को बांधना, मुझे नहीं लगता है कि हम खुद को बांध रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अगर पीरियड्स हैं भी तो उसमें अशेम्ड होने वाली क्या बात है। और वो आपको पीरियड्स ही, पहली बात आपको पीरियड्स अशेम्ड क्यों करते हैं या वीक क्यों बनाते हैं? सबसे पहली बात, एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस की बात, अगर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, हमारे यहाँ इस डिस्कशन में एक भी मेल पर्सन नहीं है। मुझे नहीं पता कि उन्हें इस चीज से फर्क पड़ता है कि नहीं, कि हम छुट्टी ले लें एक ही दिन सब मिलकर या छुट्टी नहीं ले, लेकिन हमारे पास एक भी मेल पर्सन नहीं है। तो ये तुम्हारे पॉइंट में ये है जो हम सोसाइटी से खुद को जूझ रहे हैं। बिल्कुल, सोसाइटी ओपन नहीं है, सोसाइटी ओपन नहीं है इस चीज को लेकर। और वो हम ऑफिस में भी देखते हैं। अगर हम आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ सालों पहले हम सोच नहीं सोच सकते थे कि लोग बात करेंगे, या फिर अगर हम बात कर भी रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके अंदर, मतलब वो पहले सोचेंगे अच्छा पीरियड्स पे बात हो रही है। हाँ, प्रतिमा एक पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं कि यू नो वी डोंट टॉक अबाउट पीरियड्स, हमें शर्म आती है। औरतें जब सैनिटरी नैपकिन खरीदने भी जाती है तो ब्राउन पैकेट में, दुपट्टे में छुपा के, और हम सब लोग स्कूल में थे तो यू नो हम लोगों को पैड चेंज करना है तो कपड़ों के बीच में छुपा के लेके जाओ, किसी को दिखना नहीं चाहिए। लेकिन अब वेस्टर्न सोसाइटी में देखिए तो पीएमएस बोलते हैं कि आर यू पीएमएसिंग, आर यू ऑन योर पीरियड, मेन इट इज अ वेरी कॉमन थिंग, मोस्ट पीपल से इट्स अ मेल क्रिएशन, ये जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है इसलिए आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। तो किसी भी सोसाइटी में एक नेगेटिव कॉनोटेशन जो है पीरियड्स के साथ एसोसिएटेड रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ यू नो गेटिंग इंग्रॉस्ड इन दीज डिबेट्स, जैसे तुलिका कह रही है कि हमें खुद एक्सेप्ट पहले करना पड़ेगा कि वी कैन टॉक अबाउट पीरियड्स, इट्स अबाउट आवर बॉडीज, इट्स अबाउट अ रियलिटी ऑफ हाउ वी आर, हमारी फिजियोलॉजी है, हम बात कर सकते हैं उसके बारे में। दूसरी चीज ये है कि डिबेट जो है 80% औरतें जो हैं वो ऐसी ऐसी चीजें यूज करती है इंस्टेड ऑफ सैनिटरी नैपकिन, देयर आर ड्राई लीव्स, देयर आर वुड शेविंग, प्लास्टिक एंड कपड़ा। छुट्टी की प्रॉब्लम में उनका कम से कम उनका कोई रोल नहीं है। मनीषा कुछ कहना चाहती है? जैसे अभी मैम ने बोला कि अगर हम ऑफ देंगे तो वो अनकंफर्टेबल होंगे, और एक तरफ हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम ऑफ लेंगे तो हम छुपा क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? एग्जैक्टली, छुपा क्यों, हम क्यों डर रहे हैं? अच्छा, एक चीज में मेरे दिमाग में भी बहुत एक इंटरेस्टिंग थॉट आया। सबको पता है, मेल फीमेल सबको पता है कि पीरियड्स होते हैं, सबकी राय लूंगी मैं इसमें। अगर मान लीजिए आपने एक दिन की छुट्टी ले ली, सबको पता है कि पीरियड्स एटलीस्ट 3 डेज तो रहेगा और उसमें ये चिड़चिड़ाहट और ये सब कुछ होगा, तो क्या वो एक्सपेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट डे कि हाँ निधि अब किसी बात पे भड़क सकती है या अंकिता किसी को डांट लगा सकती है? बहुत ज्यादा है, लेकिन पता होगा स्पॉटलाइट आना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो बच के रहे, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि ओके ठीक है वो मतलब फिजिकली सिम्टम है। और ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं चाहते, लड़कों के भी बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे वो भी एकदम अचानक से कभी पागल हो जाते हैं, कभी उनका मूड स्विंग हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे ही मूड स्विंग्स होते हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है और हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई मुझे पीरियड्स हैं, मुझे छुट्टी चाहिए तो मुझे छुट्टी चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती हूँ इस बात का। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि छुट्टी ले लो, लेनी है तो ले लो, नहीं लेनी तो नहीं। कम से कम दो पॉइंट तो हमारे एक नहीं, मैं एक नहीं हुई मेरा, देखिए मैं तो नहीं चाहती कि छुट्टी मिले, बट हाँ जैसे कि कई वीक लोग होते हैं, मेरे हिसाब से तो आप मेंटली, आप फिजिकली स्ट्रांग है नहीं, अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो आप अपने आप को कर लेंगे, काबू में ले आएंगे कि चलो ठीक है आज आज ऑफिस आना, आज इम्पोर्टेंट वर्क है, आप कर लेंगे। ऐसी हालत नहीं होगी कि आप मरने वाले हैं या कुछ, आई डोंट थिंक सो। फिजिकल कंडीशन, एक चीज और यहाँ पे, हालांकि कोई मेल नहीं है कि उनसे मैं ये पूछ पाती कि अगर छुट्टी पे जाने से उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं, तो क्या ये पॉसिबल था कि हम इसको सीएल में ही एक दिन और बढ़ा दें? बिल्कुल, एक ऑब्सक्योरिटी रखकर भी हम ये काम कर सकते थे, या इसके लिए ये तोलिका से स्टार्ट करूंगी क्योंकि ये बहुत अग्रेसिव है इस पे, तो क्या मतलब हम इसे सीएल के नाम पे बढ़ा सकते थे एक दिन की छुट्टी, या इसको पीएमएस लीव कर दे?
अगर हम इसे पीएमएस लीव रखें तो ये ऑप्शनल हो जाएगा, मुझे जहां तक लगता है, अगर ऐसा कुछ हो कि हम इसे ऑप्शनल रखें। हालांकि ये भी इस पे काम करने की जरूरत होगी, क्योंकि मतलब अगर मान लो कि इन्हें लीव चाहिए पीएमएस के लिए, और मान लीजिए वो पीरियड्स में नहीं है, वो बोलेंगी ना क्या मुझे मैं पीएमएस में हूं, मुझे लीव चाहिए। अच्छा मतलब ईमानदारी बड़ी शर्त है, ईमानदारी बड़ी शर्त है। पल्लवी को लगता है कि लोग ईमानदार नहीं होंगे। मुझे लगता है कि एक तरीके की जो ट्रांसपेरेंसी है वो एक गलत डायरेक्शन में हम इसको ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, जबकि हमें इसे पहले डिबेट के थ्रू ओपननेस होनी चाहिए कि ओके शी इज ऑन हर पीरियड, लेट इट फर्स्ट बिकम अ कन्वर्सेशन पॉइंट। तैयार है इस चीज के लिए, जो हमारे साथ के कलीग्स है, जो लड़के हैं वो तैयार है, वो उनको लगे अच्छा इसको पीएमएस की छुट्टी भी चाहिए। अच्छा एग्जैक्टली, अगर कोई होता तो हाँ, पूछती अच्छा, और इसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अच्छा आज ये काम कब करेगी, इस चीज को बॉस कैसे लेते हैं कि आपका मूड स्विंग होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये वहाँ पे मातृभूमि के लोगों को बता पाएंगे। तुम बताओ कभी तुम्हें ऐसी सिचुएशन फंसी हो जहाँ तुम्हें ना चाहते हुए ऑफिस आना पड़ा हो इस कंडीशन में? ऐसा होता है जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि लोग बहाना मार के लेते हैं, बचपन से ही करते हैं कि गेम पीरियड अगर हम लोगों को मिस करना होता था, नहीं मन होता था पीटी में जाने का, तो हमारे पास एक यही एक्सक्यूज होता था कि हो या ना हो हम लोग बोल देते थे कि नहीं ऐसा है, उसके बाद स्पोर्ट्स टीचर कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है बैठो। ईमानदारी पे कोई सवाल नहीं। एक चीज और मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे तूलिका का कहना है छुट्टी मिलनी चाहिए, छुट्टी मिल गई, एक दिन ही छुट्टी मिल गई, अगर ये मैनेज कैसे होगा ये नहीं पता, निधि का भी कहना है कि अभी आइडिया नहीं है कि कैसे मैनेज होगा, लेकिन अगर एचआर इसे मैनेज करेगा कि अच्छा अंकिता एक दिन, प्रतिमा एक दिन, निधि एक दिन, बिल्कुल देखिए बाद अगर निधि ने या प्रतिमा ने 3 महीने छुट्टी नहीं ली तो क्या वो प्लान करेंगे कि हाँ दे आर प्लानिंग समथिंग? जैसे हम लोग इनफैक्ट काफी लोगों का इस बात पे कंसेंसस है कि हर बॉडी अलग होती है, हर बॉडी की अलग नीड होती है, अलग वीकनेस होती है, अलग स्ट्रेंथ होती है। आज मुझे लग रहा है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना है, एक दीवार टाप के मुझे एक स्टोरी करनी है, हो सकता है अगले महीने मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ और मैं नहीं करना चाहती, तो एक रूल बना के उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने से अच्छा है लीव इट टू द गर्ल, ओके यू हैव एन ऑप्शन, आपको हम थोड़ी लीनियंसी दे देंगे। अगर आप एज अ रूल उसे इम्पोज करोगे तो इस तरीके के डिबेट्स होंगे, जो मुझे लगता है कि मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे एक ऐसे मुद्दा है जो अलग टाइप के हमें डिबेट चाहिए इस समय, क्योंकि एक्चुअल इश्यूज हैं यहाँ पे, हाइजीन का इश्यू है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, सर्विकल कैंसर, ये हो जाता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन से, क्योंकि मिस इन्फॉर्म्ड है लोग। एग्जैक्टली, यानी तूलिका और पल्लवी अब ये इस एक पॉइंट पे एक हो चुके हैं, राइट? हाँ, इस पॉइंट पे मैं अग्री करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहस अभी शुरू हुई है कि इसके लिए छुट्टियां मिलनी चाहिए, 1940 से जापान में सबसे पहले शुरू किया गया था, फिर साउथ कोरिया, ताइवान, इटली और रशिया में इस पे बहस हो रही है, यही बहस जो हम कर रहे हैं अभी कि ये होगा कि वुमेन्स को अब पीएमएस के लिए भी छुट्टियां चाहिए तो अब उन्हें हायर नहीं करेंगे, तो मतलब और जापान में अब औरतों ने वो लीव लेना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी और उनपे मतलब शक करते हैं कि वो काम नहीं करेंगे, वो प्रोडक्टिव नहीं होंगी बहुत ज्यादा, तो मतलब इसके लिए वहां पे भी बहस हो रही है, तो ये बहस बहुत पुरानी है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जब बहस पुरानी है तो अब और अभी बहस शुरू हुई है तो अभी हमें काम करने की ज्यादा जरूरत है, मतलब इसे ऑप्शनल रखें, लेकिन खासतौर से इंडिया पे इस पे काम करने की बहुत जरूरत है, बहुत अभी तो आप गांव और वहां पहुंचे ही नहीं है, अभी तो शुरू है, अभी आप स्मॉल टाउन्स पे पहुंची हो तो सही, मतलब पार्टी अभी शुरू हुई है। मुझे निधि से कुछ पूछना है, एक चीज, ये थोड़ा सीरियस इशू है क्योंकि यहां पे जितने भी लोग हैं सब करियर में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। आप जब किसी जॉब के लिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है आर यू मैरिड, क्या प्लान है लाइफ का, फैमिली का, तो इस कंडीशन में मान लो कि 6 महीने जो हमारा प्रोबेशन पीरियड होता है उस 3 महीने में तुमने पीरियड मिस कर दिए, जस्ट एग्जाम्पल पीरियड मिस कर दिए, तो फिर क्या होगा? वो प्लान करेंगे तुम्हें परमानेंट करने का या कोई मेल गाय ढूंढेंगे, किसी लड़के को ढूंढेंगे, किसी और को, क्या ये है? मतलब हम कहीं अपने आप को इस सहूलियत के चक्कर में कमजोर तो नहीं कर रहे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कमजोर तो नहीं कर रहे अब, मतलब ये फिजिकल कंडीशन है, मुझे थोड़ा और सोचो, मुझे लगता है तुम्हारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे। रिया तुम बताओ, क्या हम खुद को कमजोर कर लेंगे ऐसे? अपनी नजरों में ना से, लेकिन लोगों की नजरों में शायद से, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों के पास हमसे ज्यादा अच्छे ऑप्शंस होंगे जो इस तरह की लीव नहीं लेंगे, ऑब्वियसली बात है लड़के। ये थिंकिंग पे, ये एक्सेप्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि वो लोग रखेंगे या नहीं, क्योंकि उस पे तो लड़की मतलब देखती है कि वो अपनी तरफ से स्ट्रांग है लेकिन सामने वाला उसे कैसे एक्सेप्ट कर रहा है वो देखना। मनीषा तुम बताओ, तुम्हारी अभी शुरुआत है, क्या ऐसा कभी झेलना पड़ा है? अभी तक तो नहीं, बीइंग अ गर्ल अभी मुझे नहीं झेलना पड़ा। But the thing is that कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें हायर करता है तो वो इसलिए करता है कि हम उसे अच्छा आउटकम दें। बट इफ आई एम नॉट मेडिकली वेल या मैं अगर किसी दिन ठीक नहीं तो ऑब्वियसली मैं आज
अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगी तो इट्स ऑब्वियस उन्हें अच्छा आउटकम नहीं मिलेगा, तो उन्हें सोचना चाहिए कि लीव जरूरी है हमारे लिए। यानी किसी लड़के से ये नहीं पूछा जाता कि आपकी शादी हो गई, आप बाप बनने वाले हैं, क्योंकि पैटर्निटी लीव तो वो मांगते हैं, लेकिन वो मैटरनिटी तो वहाँ पे और उस पर तब जब 6 महीने की छुट्टी सेंक्शन है, तो क्या ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? बिल्कुल। आर्थर हर्जलर एक राइटर हैं, उनकी एक फ्रेज थी जो बहुत फेमस हो गई थी फेमिनिस्ट मूवमेंट में, बेयर फुट एंड प्रेग्नेंट, कीप हर वल्नरेबल, लेट हर बी इन्वॉल्व इन डोमेस्टिक एक्टिविटीज, और उसको एक तरीके से वो उसी एनवायरमेंट में जो है वो कंफर्टेबल रहेगी। फेमिनिस्ट ने, और फेमिनिस्ट छोड़िए, औरतों ने जो काम करती हैं उसको आइडिया को तोड़ने के लिए अपनी जिंदगी दे दी है, लाइक यू नो दिन रात एक कर दिया है कि वी कैन वर्क, हम अपना लगेज खुद उठा सकती हैं, हमें जैम की बॉटल खोलने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, हम अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव कर रहे हैं करने काम करने के लिए। तो और अगर हमें फाइनली फिर बोला जाए कि ओके वन डे ऑफ, आप लोग अलग इक्वल राइट्स आप एक तरफ डिमांड कर रहे हैं और आप यू नो एक तरफ कह रहे हैं कि आप वीक हो, तो वो एक वल्नरेबिलिटी की कंटिन्यूटी है। ओके अंकित, मैंने शुरू में भी यही बोला था कि इट शुड बी एन ऑप्शनल, किसी लोगों के फिजिकल हेल्थ अलाउ नहीं करता, तो मैं अभी भी उसी पॉइंट पे हूँ कि ये ऑप्शनल होना चाहिए। मेरे को नहीं लगता इसे हम वीक कर रहे हैं, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन हायर कर रही है तो वो आपकी कैपेसिटी, आपके समझदारी, आपकी टैलेंट पे हायर कर रही है, आपको वो PMS आपके मेल और फीमेल पे हायर कर रही है, तो फिर शायद वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को खुद ही नहीं ज्वाइन करना चाहिए। मुझे अभी नहीं मिल रहा है, अभी भी यही है कि मुझे नहीं लगता होना चाहिए, किसी को चाहिए होगी तो वो ले लेंगे, वो सिक लीव में ले लेंगे। हाँ, वो सिक लीव में ले लेंगे, इतनी सारी ELPL CL होती हैं। तो ELPL CL तोली का तुम्हारे क्या कहना है, ELPL CL चाहिए या PMS चाहिए? PMS होना चाहिए लेकिन ऑप्शनल, मैं अभी भी इस बात, लेकिन ऑप्शनल पे फिर बात वही आ जाती है ईमानदारी पे। आई डोंट थिंक इतने ईमानदार लोग तो अभी हमारे मेल के लिए भी ईमानदार नहीं होते, कभी बहाना मार के छुट्टी ली है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल ये ईमानदारी की बात है, मेरी नहीं, मुझे लगता है कि सबके साथ ऐसा होता होगा। और बिल्कुल बहाने मार के तो वैसे ही छुट्टियाँ ले लेते, ईमानदारी वाली तो ये ईमानदारी की ही बात है कि हम ले लेते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम होती है, हम नहीं कर सकते, अगर 8 घंटे हम नहीं बैठ सकते तो फिर नहीं बैठ सकते, लेकिन हम लेते हैं, लेकिन ये होनी चाहिए ना, ये हम पे डिपेंड करता है कि उसको लेनी चाहिए या नहीं। डिबेट तो अभी आया ना छुट्टी का, तो पहले इतने टाइम से तो मैनेज किया ही जा रहा है, पता नहीं अचानक से मतलब लोगों को छुट्टी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर हम हेडेक बोल के छुट्टी लेते तो वाई पीरियड्स में, पीरियड्स के लिए भी जो अगर हम हेडेक बोल के छुट्टी लेते हैं तो पीरियड्स बोल के छुट्टी क्यों नहीं ले सकते, ये पॉइंट है। हमारे मेल कलीग्स भी बहुत बहाने करके छुट्टी लेते ही है, इस पॉइंट पे शायद हम सब एक है। बिल्कुल, बहाने करके तो हर कोई छुट्टी लेता ही है, अगर ये नहीं है तो कुछ और बहाना तो है ही ना, और वो छुट्टी तो हम मेल कलीग्स भी लेते ही है, सो पीरियड्स के लिए क्यों सोचना, फिर उसके लिए क्यों सोचना, वो तो हमारी मजबूरी है। प्रतिभा, आई थिंक ये डिबेट तब शायद सक्सेसफुल होगा जब इसमें आदमी भी सामने आएंगे और खुल के हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर इस बारे में डिस्कस ओपनली कर पाएंगे। तो इस टॉपिक पे फिलहाल इतनी बातचीत करने के लिए थैंक यू, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे अगले फेसबुक लाइव में कोई मेल भी जरूर होगा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए firstposthindi.com।